दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो बनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 21 जून 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज़ में क्या हो की संभावना और शेयर बाज़ार और कमोडिटी बाज़ार में क्या हलचल रहने की संभावना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज दिन आपके लिए संभवतः अच्छा या शुभ ना रहे, आप परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये हैं पृथ्वी तत्व की राशियाँ, मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दिन आपके लिए शुभ रह सकता है, मंगलकारी रह सकता है। जल तत्व की होती है 3 राशियां, 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। दिन मिश्रित की तरफ इशारा कर रहा है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएँ बन सकती हैं। आज एग्रो कमोडिटीज के अंदर उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कल की जो भयानक मंदी थी उसमें कुछ सुधार आने की संभावनाएं बन रही है। आज धनिया के अंदर उतार चढ़ाव यानी कोरिएंडर के अंदर उतार चढ़ाव रह सकता है। कुल मिला के शॉर्ट करने की सलाह नहीं बन सकती है। गवार सीड के अंदर भी उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन बड़ी कमजोरी की संभावनाएँ नहीं हैं। हल्दी महत्वपूर्ण कमोडिटी है और पिछले कुछ सप्ताहों से हल्दी के अंदर परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आज संभवतः हल्दी के अंदर तेज़ी का रुख रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये था एग्रो कमोडिटीज पर आज की संभावनाएं या रिसर्च। अब चर्चा करेंगे शेयर बाज़ार में क्या रहने की संभावना है। आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने बॉटम फिशिंग यानी अच्छे शेयर्स पर नज़र रखने की आपको बात कही थी। उसके अंदर HDFC, TCS और HDFC बैंक शामिल हैं। आज भी आप HDFC, HDFC बैंक और TCS के ऊपर नज़र रख सकते हैं। नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर बाज़ारों के अंदर उतार चढ़ाव जारी है, आप थोड़ा धैर्य और संयम रख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप अपनी राय अवश्य दीजिए, और चैनल को यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।